बाकी जो अपने जितने ओपोनेंट्स हैं उनको एक क्लियर ग्राउंड दे दिए। हैं? जी, वो तो कह रहे हम जीतेंगे इलेक्शन। अब इनको सही पता लगेगा कि इलेक्शन कहते कैसे हैं। वो तो एक वेव्स होती थी। तो आप ये कह रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में अगर तरीके से आपका उम्मीदवार हुआ तो आपका यानी एज लियाकत खटक एंड अहद खटक आपका मुकाबला असल में पीटीआई के साथ हो। आपने देखा आज का इवेंट, आपका पहला रिएक्शन क्या था? थैंक यू बासी साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा है, लेकिन मुझे तो एक किस्म की हंसी आ गई कि ये टोटल वो लोग हैं इसमें जितने ही उधर बैठे हुए थे जो बने पीटीआई के वोट पे। जो भी था हमारे केपी में 2013 में 2018 में पीटीआई का काफ़ी जो यंग जनरेशन थी वो पीटीआई की तरफ थी, उनके वोट पे ये लोग थे। आज ये लोग पीटीआई को मुश्किल हालात में छोड़ रहे हैं। अगर आप इनके हलकों में चले जाएं और रिएक्शन खाली देख लें, जो आवाम का रिएक्शन है, तो उसमें तो इन्होंने बाकी जो अपने जितने ओपोनेंट्स हैं उनको एक क्लियर ग्राउंड दे दिए। हैं? जी, वो तो कह रहे हैं हम जीतेंगे इलेक्शन। ये जो भी खड़ा होता है वो यही कहता है कि मैं जीतूंगा। आप अगला इलेक्शन परवेज खट्टक साहब के खिलाफ लड़ रहे हैं? जी, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ेंगे। आप लड़ेंगे, वाले साहब लड़ेंगे? दो सीटों पर लड़ रहे हैं मैं और मेरे वाले साहब। आप छोटी सीट पे, वाले साहब बड़ी सीट? नहीं, दोनों सूबाई पे, आपके मुकाबले में आएंगे। उनका हल्का कौन सा? वो दोनों में, सुनने में ये आ रहा है कि दोनों में मुखालिफ होंगे। तो क्या बनेगा, फैमिली आपस में लड़ेगी इलेक्शन? लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेगी, जब पार्टीज अलग हैं। हमारा अपना पार्टी का अपना मंशूर है, उन्होंने अपनी पार्टी खोल दी है, उनका अपना मंशूर है, तो पता लगेगा हमें। पार्टी तो खोल के लिए बना लिए ना। अच्छा। ये अपनी जो बना लिए ये बस, अब क्या कहें हम, काफ़ी ओपोनेंट्स को, मेजॉरिटी 99% ओपोनेंट्स को इन्होंने खुद इस डिसीजन से ओपन एक ग्राउंड दे दिए। हालांकि मेरी अभी बहुत मैं एनपी वालों से बात की, सबका ख्याल है कि जनाब केपी की रवायात ये नहीं है कि लोग इस तरह पार्टियां छोड़कर चले। मैं उस पर आता हूं, लेकिन आप में से इलेक्शन जीतने की पोजीशन में कौन है? फिर एनालिसिस देंगे सर, आप ये तो नहीं कह सकते जी खटक साहब जीत जाएंगे, परवेज खटक साहब जी। फिर एनालिसिस मेरा यही है, आप किसी दिन आ जाएं हल्के में, नौशेरा आ जाएं, आप चेक कर लें पीटीआई का वोट हमारे नौशेरा में। एक तो हमारी फैमिली डिविजन की वजह से 50-50 तकसीम हो गया। अब पीटीआई का वोट तो नहीं है ये, मज़े जो ये सारे कर रहे थे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तो पीटीआई का वोट था जिस पे ये लोग मज़े कर रहे थे, जिस पे इक्तदार में पार्लियामेंट में बार बार जा रहे थे। वो चीज़ अब नहीं है। अब इनको सही पता लगेगा कि इलेक्शन कहते कैसे हैं। वो तो एक वेव्स होती थी इलेक्शन में, 2013 और 18 का इलेक्शन तो हम इलेक्शन इस वजह से भी नहीं मानते क्योंकि एक बस वेव थी जिसके मुंह। आप भी उस वेव के अंदर, आपको भी फायदा हुआ ना? बिल्कुल फायदा, आपके वाले साहब एमपी इलेक्ट हुए वहां, बिल्कुल फायदा हुआ, उस वेव का बहुत फायदा हुआ। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तरीकन साहब का अगर कोई कैंडिडेट हुआ फिर क्या होगा? मुकाबला उसी के साथ होगा। किसका? खटक साहब का? नहीं है, ये अल्लाह बड़े बोलों से बचाए, लेकिन आप देख लेना कि बड़ी, मैं कह रहा हूँ इन इस डिसीजन के बाद इन लोगों ने बहुत एक क्लियर ग्राउंड दे दिए ओपोनेंट्स को। सो आप ये कह रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में अगर तरीके से आपका उम्मीदवार हुआ तो आपका यानी एज लियाकत खटक एंड अहद खटक आपका मुकाबला असल में पीटीआई के साथ हो। हमारा पीटीआई के साथ, तो अभी भी तो वेव है पीटीआई की, केपी में पीटीआई की वेव है, लेकिन पार्टी वो डिवाइड हो जाएगा। कुछ इनके साथ चले जाएंगे, कुछ अभी हमारे साथ आ रहे हैं रबते में, जो मैं पीटीआई का जो डायहार्ड इलेक्टेबल्स होते हैं। वैसे ये बताएं, इलेक्टेबल्स मेरी नज़र में कोई नहीं होता।